ऑल राइट, सो ये वीडियो उनके लिए जिनके साथ शादी का प्रॉमिस करके यानी कि धोखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जनरल हम दो तरह की बातें करेंगे, मॉरल भी और फिर लीगल भी, ठीक है। फिर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ एडवाइस करूंगा कि भाई क्या ठीक है क्या नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ देखना पड़ता है ना। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई प्रॉमिस टू, हमने एक वीडियो भी पहले भी बनाई थी कि जो प्रॉमिस करके अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और बाद में मैरिज परफॉर्म नहीं करता तो उसको सजा हो सकती है, ठीक है। ठीक है, मान ली बात, हो सकती है, मतलब ये इसमें कोई वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, ठीक है। तो जजमेंट भी आ रखी है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो का टॉपिक का नाम है कि शादी का प्रॉमिस करके अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि क्या ये मतलब रियलिटी में इस चीज़ का क्या वो है, ओके। तो देखो पहले मैं आपको बता दूँ आपके पास रेमेडी क्या क्या होती है। एक होती है कि आप उसको पनिश करवा दो, ठीक है, एक आप उसको पनिश करवा दो कि वो शादी नहीं कर रहा है, ठीक है, रेप हो गया तो उसको पनिश करा दिया। दूसरा होता है रेमेडी में आप उससे शादी कर लो, ठीक है। पहली बात तो ठीक है यार, परिश हो गया, ठीक है, कोई पचड़ा ही नहीं। दूसरी बात आती है शादी का, ओके। मान लो शादी कर भी लेता है वो, ठीक है, मैं एक मिनट रोक लेता हूँ। सपोज वो शादी कर भी लेता है, ठीक है, सपोज उसने शादी कर ली, तो जब वो शादी से पहले ही मुकर रहा है, ठीक है, वो प्रॉमिस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करके जब वो मतलब पहले ही मुकर रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी करने के बाद आपको अच्छे से रखेगा या फिर यानी कि कोई केस नहीं होगा, तो उसकी क्या गारंटी है। और मैं आपको बता दूँ इंडियन सोसाइटी में क्या है, पता है क्या होता है, शादी करना बड़ी बात नहीं है, शादी को मतलब शादी करके जो निभाना है ना वो बड़ी बात है। मान लो वो शादी कर ले आपसे, ठीक है, और आपको चोरी से घर छोड़ आए, मान के चलो चोरी से घर छोड़ आए, ठीक है, और फिर लेने ना आए, ओके, फिर लेने ना आए या फिर कुछ और पचड़ा करें या फिर उसके घर वाले एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, तो और दिक्कत होगी। फिर तो आप उस पे उसके ऊपर रेप केस भी नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में मैरिटल रेप इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप उस चीज़ से भी गए, ओके, और अपने घर मतलब लाइफ स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या फेस करना पड़ता है, तो देखो मैं आपको बता दूँ लीगल प्रोसीजर में क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा। तो जो हमें लगता है ना कि भाई प्रोमिस टू पे हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पढ़ ली या सुन ली कोई केस, तो देखो वो बहुत ईजी नहीं होता, ओके, उसमें बहुत साल लगे हैं तब जाके वो जजमेंट आया है, ओके। और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब पता है वो क्या है, यानी कि पैसे का वेस्टेज और टाइम पता नहीं कितना लगे, कोई कुछ नहीं कह सकता कितना टाइम वेस्ट हो, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कह सकता कितना टाइम लगे। कोई कहता है ना भाई मैं 6 महीने में ये करा दूंगा वो करा दूंगा, तो देखो ये कहने वाली बात है और वो डिपेंड करता है उस पे, जज पे, कोर्ट पे, ठीक है, उसमें कितने बर्डन होते हैं को केसेस का, कितना बर्डन होता है, कितना उस पे मतलब इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं पहले ही, ठीक है, ऊपर से ये लॉकडाउन, चलो लॉकडाउन तो फिर भी देख लेंगे, ओके। तो अब लोग सोचते हैं कि हम उसकी FIR करा दें, ये करा दें, तो देखो FIR कराने से कुछ नहीं होता। FIR क्या है, FIR तो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, IO आता है, फिर जांच वाँच होती है कि हाँ भाई सच में हुआ है या झूठ बोल रहा है, तो उसी बीच में बहुत सारे झोल होते हैं, IO को इधर उधर किया जाता है, ठीक है, तो फिर केस ट्रायल स्टार्ट होता है, फिर प्रूव भी करना पड़ता है ना। अब लोग कहते हैं कि यार हमारे पास चैट पड़ी है, चैट में उसने प्रूव वो किया था, प्रॉमिस किया था, तो देखो चैट ना यार क्या होता हूँ, चैट ना वो फेक भी तो हो सकती हैं, ठीक है, मतलब है तो वो ओरिजिनल, आपको भी पता है हमें पता है, लेकिन ना अगली पार्टी तो डिफेंस लेगी कि ये फेक है, ये बनाई गई है, ये है वो है। अब आप लोग कहेंगे यार ये कैसे बना देंगे चैट वैट, तो देखो एक ना वीडियो है, स्क्रीनशॉट कोर्ट में माने जाते हैं या नहीं उसको आप देखो, ओके, तो उसको देख के आप डाउट क्लियर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, और कितना टाइम लगे आपको नहीं कह सकते, और फिर इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि चलो मान लो हम उसको बोल देते हैं कि वो उसको कोर्ट डांट देती है कि हाँ भाई उसको शादी कर, तो शादी करके क्या गारंटी है कि वो आपके साथ कुछ मतलब गलत नहीं करेगा केस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो तो ईगो निकालेगा ही ना अपनी, ठीक है। तो मॉरल क्या है, मॉरल ये है कि देखो अगर किसी के साथ हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट करती है और मतलब गलत हुआ है तो आप लड़िए, केस लड़िए, टाइम लगेगा कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी बहुत सारे और आप अकेले हो, तो देखो आप लीव कीजिए, ठीक है, इंडियन कोर्ट्स हैं ये, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, ओके। और इंडिया में जस्टिस मिलना तो आपको पता ही है बहुत बहुत महंगा महंगा पड़ता है, ठीक है। और फिर दिक्कत ये भी ना, अगर मान लो हो भी जाती है शादी तो उसके बाद तो फिर आप रेप केस भी नहीं कर सकते, और वो आपको घर छोड़ आए फिर केस, तो फिर क्या फ़ायदा, इससे अच्छा भाई आप अपना मूव ऑन करो, ओके, और मूव ऑन करो,
अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, तो देखो जजमेंट होती है ना जो हम पढ़ते हैं, मुझे पता है आप कहोगे कि उस टाइम तो ये जजमेंट की वीडियो थी, ऐसा होता ही होता, ठीक है वो माना जाता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और हर किसी की ज़िंदगी ना मतलब ये कोर्ट कोर्ट कचहरी में ही थोड़ी काटनी है ना, आपकी लाइफ है, अपना जियो, अच्छे से जियो, ठीक है, बेहतर होगा आप मूव ऑन करो। अगर मैं आपको लीगली बताऊँ तो आपको देखो बहुत टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, ठीक है, अगर मैंने इन्फ्लुएंस करना होता तो मैं आपको अभी बोल देता FIR करो, ये करो, वो करो, लेकिन ना जो जब उस चीज़ से गुजरते हैं ना तो बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, और फिर बहुत अथॉरिटी के पास पेश होना पड़ता है, मतलब बहुत वो लगता है, ठीक है, FIR कराने से कोई वो नहीं मिल जाती, FIR तो अभी रद्द भी हो जाती है, 482 डाल देगा अगली पार्टी, फिर तो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और दूसरी बात, अब लोग पूछते हैं कि यार FIR क्यों नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो देखो मैं आपको बता दूँ क्या होता है ना, मतलब रियलिटी बताता हूँ क्या होता है, जो भी सरकार होती है ना उनका ना एक NCRB आपने सुना होगा, नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ना हर क्राइम की वो लिखता है, हर साल उसकी ना वो आती है, तो 2-3 साल से तो उसकी वो भी नहीं आई है रिपोर्ट्स, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो उसमें ना सब कुछ रिकॉर्ड होता है कि भाई कितने क्राइम हुए, क्या हुआ, तो ना पहले ही ना पुलिस थानों को ना वो हो जाता है कि भाई जितनी कम से कम FIR हो ना उतनी लिखना, क्यों, सरकार को काम आती है वो कि भाई जितना कम क्राइम होगा उतना ही उनकी उनकी पार्टी पावर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो पहले ही FIR कम लिखते हैं, तो आप समझ रहे हो ये बात, तो अगर आपको लगता है कि भाई आप कर सकते हो तो आप जाओ, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है और इतना सारा हम नहीं झेल सकते, पहले मैं बता दूं आपको ये बहुत हार्ड है, जितना इजी लगता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी, तो उसका वो देखो ना कितने साल बाद उसकी गाइडलाइंस आई है, तो एकदम तो आई नहीं है, FIR करानी पड़ती है, सब कुछ प्रोसीजर निकलना पड़ता है, यानी कि 3-4 साल तो आप ऐसे ही लगा लो, और फिर उसके बाद भी गारंटी नहीं कि अगली पार्टी आपको ठीक से रखेगी, ठीक है, और आजकल तो अफेयर करना भी अलाउड है, ठीक है, अगर मान लो वो रख भी लेता है और फिर वो कहीं और जाएगा तो भी आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, बस डाइवोर्स के अलावा, ठीक है, तो सोच समझ लो, तो एक बार और देख लो, अगर आपको लीगल प्रोसीजर ही फॉलो करना है तो देखो आप थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करो और प्रूफ इकट्ठा करो, कॉल रिकॉर्डिंग जो भी सब कुछ है वो इकट्ठा करो, एक पेन ड्राइव में डालो और गो फॉर जस्टिस, तो जाओ हिम्मत करो लड़ो, अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट होगा ये है, तो देखो आप छोड़ो, मूव ऑन करो, अपनी लाइफ कहीं और जियो, ठीक है, शादी परफॉर्म करो, नई शादी परफॉर्म करो और अपनी लाइफ जियो, अगर आपको टाइम वेस्ट करना है और फिर भी आपको लगता है कि यहाँ न्याय मिलेगा तो आप लड़िए, ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन लीव योर डाउट ऑन Instagram. Instagram ID is गरीब अकबर EE, ओके, गरीब अकबर में EE है, सो आई होप इट इज क्लियर, चिल मैन चिल। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत वैसे मोरली, अगर आपको बिल्कुल आपने पक्का मन बना लिया तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है, आप FIR लिखवाओ, ठीक है, अगर आपकी FIR नहीं लिखी जाती है तो आप 156(3) CRPC यूज़ कर सकते हो एक एडवोकेट के थ्रू, उसमें क्या होता है कि अगर कोई पुलिस वाला वो नहीं लिखता तो आप कंप्लेंट बाई मैजिस्ट्रेट जाके वहाँ से वो कर सकते हो, यानी कि फिर कोर्ट आप उसको ऑर्डर देगी कि हाँ भाई इनकी FIR लिखो और करा जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आप अपने प्रूफ इकट्ठे करो, जो भी आपके पास प्रूफ है, जैसे कि कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई और कुछ भी हो गया ऐसा जो भी आपके पास, वो इकट्ठा करो, ठीक है, वो आपने पेश करो जो भी है, ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंशियल से अपने बयान दो कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ है, सब कुछ हुआ है, जो भी है, फिजिकल रिलेशन बने, कहाँ बने, सब कुछ A to Z आपको बताना है, सब कुछ बताना है, ठीक है, तो होप आपको जस्टिस मिले अगर आप फॉलो करते हो, फिर ट्रायल फेस होता है, ठीक है, तो अगली पार्टी डिफेंस करती है, यानी कि जो लड़का होगा वो डिफेंस करेगा, उसका भी तो वकील आएगा ना, फिर वो भी मतलब बात तो यहीं ख़राब होती है ना, अगली पार्टी भी डिफेंस करती है ना, अब मान लो किसी के साथ कुछ हुआ तो एकदम तो न्याय मिलेगा नहीं ना, अगली पार्टी भी तो खड़ी है, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ, अगली पार्टी भी तो खड़ी है ना, आपके साथ तो हो गया, ठीक है, जो हो गया, ठीक है, गलती आपकी भी है, ऐसी बात नहीं है, तो अगली पार्टी भी तो खड़ी है ना, वो हर कोई अपना बचाव करेगा, देखो हर कोई अपना बचाव करेगा, अगर किसी पे मतलब कोर्ट तो ये सोचती है ना यार दोनों बेकसूर है मेरे आगे, तो सब बेकसूर है, कोर्ट तो ये सोचती है, क्योंकि फेक रेप केस भी चलते हैं ना बहुत, तो सोचती है कोर्ट क्या पता फेक हो, क्या पता लड़के को फंसाया जा रहा हो, हनी ट्रैप के मामले होते हैं ना, हनी ट्रैप, मीठी मीठी बातें करके लड़कों को फंसाए जाते हैं, तो पिछले साल तो हमारे इंडिया में किसी फौजी को भी फंसा लिया था, ऐसे सुनने को मिलता है, तो पाकिस्तान की तरफ से, तो चलो खैर वो अलग मैटर है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो कोर्ट तो सबको देखो वो समझती है इनोसेंट है, जब तक कुछ प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट समझता है, ठीक है, तो केस लड़ना पड़ता है, और
रेमेडी आपको दो ही मिलती है, या तो वो मैरिज परफॉर्म कर ले, अगर मैरिज परफॉर्म नहीं करता तो वो रेप केस में अंदर जाएगा, तो जो मैक्सिमम सजा हो सकती है वो 7 साल से लेके 14 साल तक हो सकती है, वो डिपेंड करता है केस के फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है, और कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर कि भाई कितना सब्जेक्ट मैटर है, कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ, ठीक है, हर चीज़ देखता है, कितना नुकसान फ़ायदा सब कुछ देखता है, तभी जाके पनिशमेंट होती है, ठीक है, ओके। तो तुम बुरा ना मानो, अगर जिसकी फैमिली सपोर्टिव है तो भाई जाके केस करो, ठीक है, अगर जिसको लगता है भाई हमसे ना हो पाएगा तो देखो आप अपनी नई शादी परफॉर्म करो और भूल जाओ जो हुआ है, क्योंकि ना देखो इंडियन सोसाइटी में क्या है, लड़की को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और अगर कोई केस का नाम भी ले ना तो उसको ना बहुत फील होता है, अगर सपोज आप किसी फैमिली को पता चलता है कि यार इनका तो केस चल रहा है तो उसकी शादी भी नहीं होती, सोचते हैं यार इनका तो केस हो रहा है तो किसी को भी फंसा देंगे, ये है वो है, समझ रहे हो, ये लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो वो सोचते हैं कि ये तो केस ही करते हैं, ये किसी को भी फंसा देंगे, इनका तो ऐसा ही नेचर है, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लड़कों का क्या है, दूसरी शादी कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कुछ दिन जेल चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर दूसरी शादी कर लेगा, ठीक है, और अब तो लीगल अफेयर भी लीगल है, कहीं ना कहीं अफेयर ही कर लेगा, ठीक है, तो समझ रहे हो ना। और चलो मान लो शादी कर भी लो, ठीक है, तो गारंटी नहीं है ना, कल को मान लो वो रखेगा ही या नहीं, उस चीज़ की गारंटी नहीं है, तो मेन बात तो सारी यही है, ठीक है, केस करो, खूब करो, ठीक है, लेकिन बात है ना कि अगर मान लो वो बोल देता है कि हाँ मैं रखने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद भी वो ना रखे, अगर शादी करके मीठी मीठी बातों में वो आपको छोड़ आए घर और फिर लेने ना आए, फिर सेक्शन 9 का केस डालो, फिर ये केस डालो वो डालो, तो ज़िंदगी इनमें ही थोड़ी बितानी है ना, ठीक है, समझ रहे हो, तो बहुत दिक्कत होती है, फिर फैमिली वालों को भी बहुत दिक्कत होती है, बच्चे को तो होती है, फैमिली वाले को ज़्यादा होती है कि भाई ये पचड़ा पाला ही क्यों, भी शादी से पहले क्या ज़रूरत पड़ी थी ये सब करने की, किसने कहा था, पर लोगों को समझ में कहाँ आती है, ठीक है। तो देखो हमने तो बता दिया, आप समझदार हो, तो आपको मैं एक बार और बता दूँ, लीगली आपको बहुत टाइम लगेगा, कोई गारंटी नहीं है, हो सके आप मूव ऑन करो, ओके, तो नई शादी परफॉर्म करो ना, चिल करो, सो चिल मैन, चिल।